आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली और मेरे साथ हैं देश के सबसे छोटे रैकी हीलर आयुष गुप्ता। आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आयुष हमारे देश के सबसे छोटी उम्र के रैकी हीलर हैं। आयुष, आपने इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है, आप मात्र 16 साल के हैं। आयुष, रैकी हीलर ही क्यों? रैकी एक्चुअली जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा को मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने बताया कि रेकी क्या होता है। वो मेरे ग्रैंड मास्टर भी हैं, वो रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, तो उन्होंने मेरे पापा को बताया कि रेकी क्या होता है। तो मैंने रेकी के बारे में देखा। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र 12 इयर्स। 12 साल की उम्र में आपको ये समझाया गया कि रेकी क्या होती है? रेकी क्या होती है, तो मेरे पापा ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि ये हीलिंग थेरेपी सीखो, बहुत अच्छी है। बट उस टाइम मैं 12 साल का था तो उतना मुझे पता नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे मैंने रेकी सीखा, उसके बाद मैंने अपने घर पे रेकी किया, मम्मी की, पापा की, दादी की, तो मुझे जब वो ठीक होते हैं ना तो मुझे बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैं किसी को अपने हीलिंग एनर्जी के कारण ठीक करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने MP में, मध्य प्रदेश में, मैं कटनी बरही का रहने वाला हूँ और मेरे पापा का नाम काशी प्रसाद गुप्ता है, तो वहाँ मैंने एक हीलिंग सेंटर ओपन किया था, सदगुरु रेकी सेंटर। वहाँ मैंने मोर देन 150 केसेस सॉल्व किए और उसके बाद कुछ चीज़ों के कारण हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए। तो मुंबई में अभी करेंटली मेरा एक हीलिंग सेंटर है, आयुष रेकी हीलिंग सेंटर, तो उसमें मैंने अभी तक मोर देन 300 केसेस सॉल्व किए हैं और ऑलमोस्ट सारे केसेस पॉजिटिव ही गए हैं। मैंने जसलोक हॉस्पिटल में एक आंटी का कोमा सॉल्व किया, 15 डेज मैंने हीलिंग किया था तो उनका कोमा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आयुष हमको बहुत सारे केसेस के बारे में बता रहे हैं, और होता भी यही है कि कभी कभी हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि इसका इलाज क्या है। उस वक्त ऐसा लगता है कि कोई जादू की झप्पी लगा दे या छू दे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाए, वो आयुष करते हैं ना आयुष? Yes, तो जैसा आप बता रहे थे आपने कोमा से बाहर निकाला आंटी को, सबसे पहले आपने बताया कि आपने अपने फैमिली से शुरू किया हीलिंग करना, कैसी फीलिंग थी घर वालों की? वो मेरे लिए होता है कि अगर मैं कुछ अच्छा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अंदर से अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और पॉजिटिव फील होता है। तो जैसे अगर मैं अपने मम्मी का सरदर्द भी ठीक कर देता ना हीलिंग थेरेपी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे कारण मेरी मॉम का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक्चुअली जब मैंने हीलिंग थेरेपी सीखा था तो उसके 3-4 महीने बाद मम्मी को कुछ गले में कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कैंसर है एंड ऑल, लोकल डॉक्टर्स ने, तो मेरी मम्मी ने बोला मैं कुछ भी मेडिसिंस नहीं लूँगी, और उन्होंने मुझसे 3 महीने हीलिंग करवाई। फिर उसके बाद मम्मी नागपुर गई, नागपुर में डॉक्टर्स ने बोला कि पहले कैंसर्स के कुछ पार्टिकल्स थे, बट उन्होंने बोला कि उनको कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ वो पार्टिकल्स गए कैंसर के, और वो सिर्फ एक वाटर के थ्रू वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मतलब वो एक ऐसी फीलिंग थी कि मैंने एक इंसान की, कैंसर अगर किसी को डायग्नोस हो रहा है मतलब जान जाने बराबर ही होता है। आयुष, ये सारी जो हीलिंग थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो थेरेपी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो एक नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से हावी हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही गायब हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो करता है उसको 100% से ऊपर में पॉजिटिव होना पड़ता है, उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? सी, जब से मैं हीलिंग सीखा हूँ, जब से मुझे इस फील्ड का मुझे नॉलेज हुआ है, तब से मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ 30 मिनट्स, प्लस सेल्फ हीलिंग करता हूँ, तो जिसके वजह से मेरी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो जाती है और उससे मेरा ऑरा स्ट्रांग है, सारे चक्र पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसके थ्रू अगर मैं किसी की हीलिंग भी कर रहा हूँ तो उसकी नेगेटिव एनर्जी मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, जबकि मेरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके, मेरी एनर्जीज के कारण वो ठीक होंगी। तो
ये नेगेटिव पॉजिटिव जो थेरेपी का एक बेस है, या ये इसको बेस बोल सकते हैं। आयुष, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप पहले दर्शकों को समझाएं कि ये हीलिंग होती क्या है। लोगों को लगता है जब कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी बड़ी दवाइयां खाएंगे और चीजें करेंगे तभी हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक हीलिंग थेरेपी कैसे उनको पॉजिटिव कर सकती है, कैसे बड़ी सी बड़ी बीमारियां कम कर सकती है, होती क्या है हीलिंग थेरेपी? सी, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपका सर दर्द दे रहा है तो आप क्या करोगे? अगर नॉर्मल कोई इंडियन है तो वो क्या करोगे? आप लाइक आप मेडिसिन लेंगे, बाम लगाएंगे, ये सब चीजें। हाँ, तो उससे आपका कुछ टाइम के लिए टेम्परेली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और अंदर ही अंदर वो मेडिसिन आपके जो सेल्स है उसको खत्म करते डैमेज करते जाएगी। बट इस रेकी हीलिंग थेरेपी में ये है कि अगर आपको सर दर्द भी दे रहा है तो वो प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगी रेकी वो रूट से प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लाइक अगर आपका सर दर्द दे रहा है तो मेरे पास कुछ सिंबल्स होते हैं रेकी, जब हमें मेरे ग्रैंड मास्टर देवांश ने जब भी मुझे सिखाया रेकी तो उन्होंने मुझे कुछ सिंबल्स दिया था। उन सिंबल्स के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो मुझे पता चलता है बिकॉज ऑफ सम इंट्यूशन लेवल और वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो उसके बाद मैं जो नेगेटिव एनर्जी के कारण जो प्रॉब्लम है रूट से, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ। तो ऑटोमेटिकली किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ना सिर्फ हेल्थ ही नहीं, अगर आपको करियर इश्यूज है या डिप्रेशन है, मेंटल इश्यूज है, वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती हैं। आपने कहा भी यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो आप। यस मैम। यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो रहे हो, कैसे आपको फील आता है कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुका हूँ, मैं एक अलग दुनिया में हूँ? मुझे अलग, जैसे 7 चक्रास के 7 लाइट्स होती हैं, मुझे आसपास, जैसे हम आग बंद करके हीलिंग, जैसे हम आग बंद करके हीलिंग करते हैं तो मुझे 7 चक्रास के 7 लाइट्स दिखते हैं और मेरी थर्ड आई भी ओपन है, तो थर्ड आई के थ्रू मुझे इंट्यूशन लेवल भी हाई है। तो जैसे ही मुझे वाइब्रेशंस फील होते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, लाइट्स दिखने लगती हैं, तो मुझे पता नहीं चलता मेरे आसपास क्या हो रहा है और मुझे इतना पता रहता है कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया हूँ। थर्ड आई की आप बात कर रहे हो? Yes. थर्ड आई आपकी ओपन है। yeah. तो उस थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी है, ये फील आपको कब आया और कैसे आया और आपको क्या ऐसे इंट्यूशंस हो जाते हैं कि आपको लगता है ये मेरी थर्ड आई देख रही है? रेकी, सब चीज रेकी से ही कनेक्टेड है। लाइक मैं अभी जो भी हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से, अगर वो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते रेकी सिखाने के लिए तो मैं शायद नहीं सीख रहा होता, क्योंकि मैं 12 साल का था। तो रेकी में क्या होता है ना, 5 लेवल्स होते हैं सीखने के, हीलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, एडवांस लेवल, टीचर्स लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल। तो पहले 2 लेवल्स में तो हम सिर्फ दूसरों की हील, पहले 1 लेवल में पहले हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग, अपने आप को जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं। फिर 2nd लेवल में हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। फिर 3rd लेवल में एनर्जी इंक्रीज होती है, हम दूसरों को 1st और 2nd लेवल सिखा सकते हैं। तो 3rd लेवल में इट इज़ नेसेसरी कि हमारी थर्ड आई ओपन हो। और ऐसे बहुत सारे हीलर्स हैं जिनको 3rd लेवल सीखना है बट वो नहीं सीख पाते कि बिकॉज देयर एनर्जी लेवल डजंट मैच, उनकी एनर्जी लेवल मैच नहीं होती उनके 3rd आई ओपन होने में। तो मैं अभी टीचर्स लेवल पे हूँ, 4th लेवल पे हूँ, एंड उस एनर्जी लेवल के कारण मेरी 3rd आई ओपन है। तो उस 3rd आई जब भी ओपन होती है ना, तो आप ऐसे इमेजिन करोगे तो आप इमेजिनेशन में रहोगे, बट 3rd आई से मुझे पता चलता है कि ये हो रहा है। इमेजिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ करेंट लाइफ में जी रहे हैं बट अलग दुनिया में, वो इंट्यूशन लेवल के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है। आयुष, आपने शुरुआती दौर में मुझे बताया था कि कोमा में आंटी थी 15 डेज से और आप उनको बाहर निकाल के लाए कोमा से, तो क्या आपने ऐसा किया? सी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होती है। तो अगर उन आंटी को एक्चुअली 15 डेज से कोमा में थी वो, और जसलोक हॉस्पिटल है मुंबई में मरीन लाइन्स में, तो मुझे गूगल से उन्होंने अप्रोच किया था, उनके फैमिली वालों ने। तो मैंने अप्रॉक्स 15-20 डेज उनकी हीलिंग किया। स्टार्टिंग में पहले उनके चक्रास पॉजिटिव किए, फिर उनकी रूट नेगेटिविटी को मैंने जाना अपनी थर्ड आई के थ्रू। जैसे ही मुझे एक बार रूट नेगेटिविटी मिल जाती है, उसके बाद हम यूनिवर्स से कनेक्ट होके वो नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तो सारी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो वो सॉल्व हो जाती है। आयुष, आपने मुझे बताया था कि बॉलीवुड के बहुत लोग आपसे कनेक्टेड हैं और आप उन लोगों की भी रेकी करते हैं। या एक्चुअली मैं इन जब से मुझे मैं सॉरी
जब से मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला तब से, और मेरा भाई भी बॉलीवुड में है, उसके थ्रू उसने प्रमोट किया, मैंने भी गूगल एंड ऑल में और वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से भी उन्हें पता चला। तो आपने भारती सिंह को देखा होगा, जो अभी फिलहाल खतरा 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 में आती जी हैं, द कपिल बिल्कुल शर्मा शो में आती हैं, और शंकर महादेवन, द लेजेंड पद्मश्री शंकर महादेवन सर, और आदित्य नारायण सर, हर्ष लंबाचिया, रवि दुबे, बलराज सहाल, जिनको आप अभी आगे चल के नेक्स्ट ईयर में खतरों के खिलाड़ी में आप देखने वाले हो बिग बॉस के बाद। तो इन सबको मैंने पहले एक एक सेशन सेशन दिया, तो इनको उनको जैसे अगर मैंने आज हीलिंग दिया ना उनको, तो उनको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डे उनको टोटली डिफरेंट लगा अपनी लाइफ में, अलग लेवल की एनर्जी, अलग लेवल की पॉजिटिविटी। तो उसके जरिए मैं, क्योंकि मैंने ही उनको बोला था आप एक बार फर्स्ट सेशन देख के करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पर आए। फिर नेक्स्ट में आएंगे कि आपको कैसा लगा फर्स्ट लेवल, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको कंटिन्यू करवाना है। तो सबने कंटिन्यू करवाया, सबको एक डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट पॉजिटिविटी, तो उसके कारण फिर धीरे धीरे करके कंटिन्यूशन हुआ। तो कैसा लगता है जब एक फेम की दुनिया के लोग जब आपसे रेकी लेते हो और उनको एक पीस मिलता है? ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन तक पहुंचना और उनके रेकी करना। आपने कॉमेडी सर्कस सुना होगा, कॉम नाइट्स विद कपिल जो हाँ कलर्स में आता था, बिल्कुल उनके जो डायरेक्टर हैं ऑप्टिमिस्टिक्स के, मिस्टर निकुल देसाई निकुल सर, देसाई। मैंने उनकी हीलिंग किया है, उन्होंने बताया भी है, उन्होंने वीडियोज एंड ऑल भी बनाई है कि मेरे लिए उनको कैसा लगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई, बीइंग इंडियाज़ यंगेस्ट रेकी हीलर, और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है, और तुम इसको बहुत अच्छे से करते हो, बहुत हाईली ट्रेंड हो इसमें, और बहुत डेडिकेशन के साथ तुम ये हीलिंग करते हो। ऑल द बेस्ट, बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड आने वाले टाइम में, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और माई बेस्ट विशेज़ टू आयुष, द यंगेस्ट रेकी हीलर इन इंडिया। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आयुष से हीलिंग करवाई है। मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन रहता था और आयुष ने कुछ ही सेशंस में बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखाया और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई जब मैंने रेकी शुरू की आयुष के साथ। तो मैं आयुष को बहुत बहुत विशेस देना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेट्स कहना चाहता हूँ उसके अचीवमेंट के लिए, इतनी छोटी सी उम्र में यंगेस्ट रेकी हीलर ऑफ इंडिया के लिए। और आयुष अपने आप में एक बहुत ही वॉर्म और स्वीट लड़का है। तो मैं सबसे कहूँगा कि जिसको भी एक अच्छे रेकी सेशन की ज़रूरत है वो आयुष से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अलग टाइप की फीलिंग होती है जब ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुझे बेस्ट विशेस मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है कि मैंने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। तो एक इनर लेवल की पीस होती है ना, वो पीस लेवल डिफरेंट पोजीशन में पहुंच जाती है। आयुष, आपने पता है आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, यस मैम। कौन सा सर्टिफिकेट है आप हमको दिखाइए और क्या आपको किस चीज के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? मुझे 10th अगस्त को ये सर्टिफिकेट मिला है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। मैं इंडिया का यंगेस्ट रेकी हीलर हूँ, इंडिया में सबसे कम एज का रेकी हीलर हूँ जिन जो प्रैक्टिस करता है, और इसमें सब मेंशन है मैंने कब रेकी सीखा, और ये सर्टिफिकेट है, ये मेडल है, शील्ड है। हमारे देश के युवा जनरेशन जो अभी आगे बढ़ रही है और इस तरीके से अपना नाम रोशन करती है, आपने सुना होगा गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा स्पर्श करके लोगों की परेशानियों को दूर कर देते थे। बिल्कुल वही, ये जो रेकी है ये स्पर्श पद्धति के द्वारा लोगों को आराम दिलाया जाता है, यस लोगों मैम, को मानसिक सुकून दिया जाता है, शारीरिक सुकून दिया जाता है। ये एक तरीके की स्पर्श। स्पर्श चिकित्सा है। तो कभी ऐसा फील आया कि मतलब छू दिया? कभी आपको भी फील आया होगा कि किसी ने छुआ तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा। आयुष भी जब छूते हैं तब ऐसा फील आता है कि बहुत कुछ पॉजिटिव है और हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। आयुष, मेरे सामने आपने एक क्रिस्टल का ट्री रखा हुआ है, ये यस क्या मैम, है? ये क्रिस्टल ट्री है मैम, और इसमें 7 डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, और जिसके थ्रू आपकी हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत ब्लेसिंग्स देता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है।
और अगर हम हैं इस लाइफ में तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ के लिए अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। और मैंने इसको बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लाइक अगर मैंने 99 लोगों को दिया है तो 98 लोगों को ये फायदा कर रहा है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, आपको इससे 100% रिजल्ट्स भी मिलता है। बिल्कुल, आयुष से हम बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के सबसे छोटे स्पर्श चिकित्सक हमारे साथ हैं, आयुष। आयुष, आप मुझे इस क्रिस्टल ट्री के बारे में बता रहे थे, तो yes, आपने ये बताया कि आपने अगर 100% को दिया है तो 98 पर वर्क कर गया, ये वर्क कैसे करता है? जैसे जिस दिन आपको मैं ये दूंगा, तो अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे घर पे बहुत सारे झगड़े या घर पे आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो वो सबसे पहले ये चीज हटा देता है, और उसके कारण फिर उसके बाद हेल्थ वेल्थ सब में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये क्रिस्टल ट्री है, इसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और किसका क्या महत्व है? इसमें 7 different kinds of crystals हैं, 7 different crystals हैं। एक एमेथिस्ट है जो वेल्थ के लिए है, रेड स्ट्रीन है जो रेड कार्नेलिन है जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है जो आपके लव रिलेशनशिप या किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए वर्क करता है। और इसमें बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स के लिए आपको वर्क, करियर है ना, ऑल वेल्थ, जिसमें बहुत सारे आपको इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखते हैं बहुत जल्द। तो ये लोगों को फायदा करता है, बहुत पॉजिटिव। बहुत घर पे हर वक्त तो आप हीलिंग करने के लिए किसी के घर पे नहीं रह सकते, तो उस वक्त आपका ये ट्री काम करता है। आयुष, आप 16 साल के हैं, अभी कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 12th क्लास में। पढ़ाई करना आपको कैसा लगता है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मैं रेकी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, तो दोनों मैनेज करना तो जरूरी है लाइफ में, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जैसा कि आपने अपने आप को डेवलप कर लिया है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। या मुझे रेकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करती है, लाइक अगर मेरे एग्जाम्स है या एग्जाम्स नहीं भी हैं तो मेरे को अगर पढ़ने में कंसंट्रेशन चाहिए, ये मुझे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा देता है, एग्जाम टाइम कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस देता है कि ये चीज हो। आयुष, कभी ऐसा हुआ कि आपकी क्लास के बच्चे आपके फ्रेंड्स ये बोलते हो कि यार घुस नहीं रहा दिमाग में, कैसे पढ़ें क्या करें, तो आपने कभी उनकी थेरेपी की है? मैंने उनकी थेरेपी तो नहीं की, मैं जब भी बरही मध्य प्रदेश में जिस स्कूल में था, फिर उसके बाद जब मैं मुंबई महाराष्ट्र शिफ्ट हुआ, तो मैं लोगों को रेकी भी सिखाता हूँ, रेकी करता भी हूँ। तो मेरे बरही के स्कूल्स के कुछ टीचर्स मुंबई आए थे मुझसे रेकी सीखने, क्योंकि उनको अपने स्कूल में भी एक, उन्होंने एक नया पार्ट शुरू किया है स्कूल में, पहली स्कूल होगी शायद जहाँ वो रेकी सिखाने वाले हैं। तो वो मुंबई आए हुए थे, 2-3 टीचर्स थे, वो मुंबई आए थे मेरे रेकी सेंटर, मैंने उनको 2 लेवल सिखाए, 1st लेवल और 2nd लेवल, और वो अभी वहाँ रेकी की क्लासेस भी करते हैं।
तो वहाँ के बच्चों को वो रेकी देते भी हैं और रेकी कुछ बच्चों को सिखाते भी हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लेवल है। तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि रेकी प्रमोट हो रही है, और मेरे वजह से और रेकी की वजह से लोग ठीक हो लोग रहे हैं, तो ठीक हो ये रहे हैं, बहुत लोग अच्छी बात है। पॉजिटिव हो रहे आयुष, हैं। आप कटनी के रहने वाले हैं, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की? आपका स्कूल पहला कौन सा था? मेरा पहला स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल है और वो बरही के पास है। और मैं फैमिली में आपके कौन कौन हैं? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा बहन, मेरा भाई जो राइटर है, मेरी बहन एक्ट्रेस है। हाँ, और आपकी बहन के बारे में हमने सुना है, देखा है उनको एक्टिंग करते हुए। अच्छा, वो आपसे कितनी बड़ी हैं? वो मेरे से 10 साल बड़ी हैं, 10 साल वो बड़ी हैं, 27 ईयर्स की हैं। तो उनको भी काफी टाइम हो गया होगा फील्ड में। या उनको अप्रोक्स 5 ईयर्स हुए हैं। और ब्रदर आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं? या वो स्क्रिप्ट राइटर हैं जो कॉमेडी शोज आते हैं, कॉमेडी सर्कल्स, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, एंटरटेनमेंट की रात। तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग करते, तो वो कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर हैं। और मदर फादर आप? या जो मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं अभी जो भी हूँ, लाइक पैदा करना उस हिसाब से भी मैं जो भी हूँ वो हूँ उनके वजह से ही। बट ये जो मेडल्स मिले हैं मुझे, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वो भी उनके वजह से ही है, मम्मी पापा के वजह से ही। अगर 2012 में वो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते कि तू रेकी सीख, या वो मुझे रेकी के बारे में नहीं बताते, या मैं भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद कहता हूँ कि अगर वो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते तो मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता। जाहिर सी बात है कि परिवार और माता पिता अगर जब तक या प्रोत्साहित ना करें और साथ ना दें, तब तक बच्चों की तरक्की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और गुरु के बारे में आप अपने बताइए। गुरु, मैं मेरे गुरु मिस्टर देवांग शुक्ला हैं जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई। और जैसा जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक उनके जितने भी शिष्य हैं जिनको भी उन्होंने रेकी सिखाया है, उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज मैं हूँ। और उसके लिए मैं बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जो विद्या सिखाई है रेकी, उसके वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। पहले मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, पहले मैं बातचीत करने में उतना था नहीं कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इतनी बात कर ही नहीं सकता था। बट जब से रेकी सीखा है मैंने, रेकी मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रही है। कॉन्फिडेंस देखा जाए या अपनी इम्प्रूवमेंट्स में देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए, और इसके लिए तो मैं हमेशा धन्यवाद करूंगा और करता हूँ अपने ग्रैंड मास्टर को। आयुष, रेकी थेरेपी जो है, स्पर्श चिकित्सा जो है, इसके जनक कौन है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। या अभी अगर आप नेट पे, इंटरनेट में सर्च करोगे तो रेकी आपको आएगा, जापानीज हीलिंग थेरेपी है। बट हमें, हम सबको पता है गौतम बुद्धा कौन है। जो गौतम बुद्धा थे वो ये हीलिंग थेरेपी करते थे रेकी, बट वो कुछ अपने चुनिंदा लोगों को ही सिखाया था, चुनिंदा शिष्यों को ही उन्होंने रेकी सिखाई थी। उनमें से एक थे जापान के डॉक्टर मकाओ उसुई, तो वो रेकी करते थे। वहाँ उन्होंने प्रमोट किया रेकी को। फिर उन्होंने उनको इंट्यूशन आया कि जापान में वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला है बिकॉज ऑफ देयर हिज थर्ड आई एंड हिज इंट्यूशन लेवल। उसके वजह से उनको पता चला कि जापान में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला है। सो उन्होंने एक डॉक्टर हयातो मैम है, उनको उन्होंने रेकी सिखाई। फिर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया। और जब मैं बॉर्न हुआ था तब से इंडिया में ये हीलिंग थेरेपी 2002 या 2001 में, वन से ये हीलिंग थेरेपी बहुत प्रमोट हो रही है इंडिया में। तब से बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये हीलिंग थेरेपी कर रहे हैं। हीलिंग थेरेपी को और कैसे वर्ल्ड में, अपने देश में प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए कुछ प्लानिंग, या आपने आगे जाके सोचा है कि मुझे ये करना है इस थेरेपी के लिए? या अभी देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग रेकी के थ्रू भी बनाते होंगे, कोई भरोसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। जो कुछ लोग होते हैं जो हर काम पैसों के लिए ही करते हैं, तो ऐसे भी हीलर्स होंगे। और बहुत सारी जगह में लोग सिर्फ एक हीलिंग सेशन का 5-5, 10-10 हज़ार लेते हैं। और अभी जो मेरा हीलिंग सेंटर है मुंबई में, मैं रेकी सिखाता भी हूँ और रेकी करता भी हूँ लोगों की। सो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं
इसी से इतना चार्ज करो अप्रोक्स, जो आपको देना, आप मेरे को 1 रुपए दोगे या 2 रुपए दोगे तब भी मेरे को चलेगा। आपको 100% वर्क करना है, कौन कितना पैसा दे रहा है ये आपके लिए मायने नहीं है। मेरे को क्या मायने रखता है कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। और आगे जाके मेरा प्लान है, मैं करने वाला हूँ फॉर श्योर, ये करने वाला हूँ कि अभी एक मैं हीलिंग सेंटर ओपन करने वाला हूँ, जो एक बहुत बड़ा हीलिंग सेंटर होगा, जो आज तक इंडिया में नहीं हुआ होगा इतना बड़ा हीलिंग सेंटर। और वो उसका सिर्फ चार्जेस 50 रुपीज़ होंगे और कोई भी आ सकता है उस हीलिंग सेंटर में, क्योंकि ऐसे हीलिंग सेंटर्स को बहुत सारे लोगों को रेकी पता भी है बट कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं इसके इस जो मैं एक हीलिंग सेंटर, एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट लोगों को मिलेगा, आप इस तरीके का एक हीलिंग सेंटर शुरुआत करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है हीलिंग थोड़ा सा लोगों को जानकारी कम है, और जिन्हें जानकारी है उनको लगता है कि वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है तो उस तक पहुंच नहीं पाते। आयुष की अच्छी पहल है कि एक ऐसा सेंटर खोलना चाहते हैं जो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देगा, ओनली 50 रुपीज़ में आप 1 सेशन देंगे। आयुष, बड़े होकर आपकी पढ़ाई भी, 12th है, बच्चे करियर भी आ जाते हैं 12th के बाद, तो करियर में सिर्फ हीलिंग ही आएगा या आपने आगे जाके कुछ सोचा है कि मुझे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इस टाइप से कुछ बनना है? सी, रेकी तो मैं करूँगा फॉर श्योर, हर कुछ भी मैं बनूँ अपने लाइफ में तो रेकी का बहुत बड़ा हाथ है और रेकी भी मैं करता रहूँगा। बट अगर हम करियर स्टडीज़ के करियर के हिसाब से देखा जाए तो मैं लीगल एडवाइज़र बनना चाहता हूँ मल्टी नेशनल कंपनीज में। तो अभी मैं 12th के बाद लॉ करने वाला हूँ, So, उसके बाद वो शायद लीगल एडवाइजर बनना और आपका रेकी करना, ये दोनों मिलकर आपका बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। लोगों को समझना, लोगों को जानना, लोगों के साथ, बिकॉज़ रेकी में साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है, बिल्कुल। सामने वाला क्या सोच रहा है वो जब तक हमारे माइंड में नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं। आयुष, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जैसा बताया आपकी 3rd eye ओपन है, सामने आपके कोई बंदा आया और आपको देखकर लगा कि इसके संग ऐसा हो सकता है या होने वाला है, मैं उसको बता दूं और अचानक में कुछ हुआ हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? या मैं, अगर मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आपके कौन से चक्रास नेगेटिव हैं, कौन से चक्रास पॉजिटिव हैं, किस चक्रा की वजह से क्या प्रॉब्लम होने वाली है या क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उन चक्रास को सॉल्व या उन चक्रास को ठीक करने का क्या तरीका है। तरीका ऑफ कोर्स रेकी है, रेकी से आप उसको बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगी तो मैं आपको बता सकता हूँ आपका कौन सा चक्रा पॉजिटिव है, कौन सा चक्रा नेगेटिव है और ऑरा कैसा है। तो आप उस 2 मिनट में समझ जाते हैं कि सामने वाले के साथ समस्या क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आयुष की एक अच्छी प्यारी और प्रेम भरी फैमिली है ना, दीदी एक्टर हैं, भैया स्क्रिप्ट राइटर हैं, मम्मी पापा के लिए बहुत थैंकफुल हैं आयुष, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ तक उनको पहुँचाया है। गुरु, आपने बताया था गुरु आपकी रिलेशन में है? या वो मेरी कजिन सिस्टर है, मिसेस संगीता, सो उनके हस्बैंड है वो, तो उनके थ्रू जो भी मेरा, तो आप इंस्पायर होके उनसे रेकी सीखी आपने या आपको पहले से कुछ इंट्यूशन था कि मुझे ऐसी चीजें समझ में आती हैं? अब सी, मेरी एज 12 थी तो मुझे उतना कुछ भी आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे जब भी मेरे को मेरे पापा ने बताया तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। फिर मैं जब उनसे मिला, मिस्टर देवांग शुक्ला मेरे जो ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो एक तरीके से हम उनको मेरी इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। अगर वो नहीं होते, मेरे पेरेंट्स नहीं होते, अगर वो मुझे प्रोत्साहित नहीं करते तो शायद मैं रेकी जैसे हीलिंग थेरेपी से शायद ही कनेक्ट होता, मुझे आइडिया नहीं होता इसके बारे में। आयुष, कभी सोचा है कि हमारे देश में 10th और 12th बोर्ड क्लासेस में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं बच्चे, आपने कभी सोचा उन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने MP में भी, जब भी मैं बरही में रहता था तो मैं और मेरे पापा ने मिलकर एक कैंप शुरू किया 10th के बच्चों के लिए, और सिर्फ 10th के बच्चों के लिए नहीं बट जिसको कुछ प्रॉब्लम है या किसी को स्ट्रेस है, तो मैं वहाँ भी मैंने 50-60 लोगों को हील किया है, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी रिजल्ट्स मिले। जब आप हील करते हो तो क्या करते हो, कैसे स्पर्श करते हो, क्या चीज़ें उनकी आप स्पर्श करके उन तक, उनके दिमाग में घुसते?
हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और जो मेन चक्र होता है वो क्राउन चक्र होता है। तो अगर हम अपनी एनर्जीज क्राउन चक्र के थ्रू डालते हैं तो वो एनर्जीज बहुत जल्दी एंटर होती हैं बॉडी में। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं रेकी के, चोकुरे, साइकी, होनसा जेशुनेन और डाइकोम्यू, इट्स ऑल ये सारे जापानीज वर्ड हैं, सिंबल्स के नाम हैं। तो इनके थ्रू आपको बहुत हेल्पफुल हेल्प होती है। तो इनके थ्रू हम पहले रेकी कॉल करते हैं, फिर रेकी से कनेक्ट करते हैं, फिर रेकी के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और देन यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है हम उसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है, मेंटली मेंटल इश्यूज हैं, डॉक्टर्स को देखा है कि वो वेन पकड़कर समझ पाते हैं। या आप कौन सी वेन पकड़ते हैं? इसमें वेन पकड़ना नहीं होता, इसमें मतलब एक ऑरा मैच होना चाहिए। जब तक मैं आपका चक्रा नहीं समझ पाऊंगा, आपका ऑरा नहीं समझ पाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं जान पाऊंगा, तब तक ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रेकी के थ्रू मुझे पता चलता है आपका चक्रा कैसा है, ऑरा कैसा है, इंट्यूशन लेवल से पता चलता है। तो मैं ऑफकोर्स हेल्प करता हूँ फिर और करूँगा आगे भी। विदाउट मेडिसिन स्पर्श करके आयुष आपकी हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे हर बार एक नई प्रतिभा के साथ। आयुष, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।